कूडो एसोसिएशन दुर्ग के द्वारा दुर्ग के कसारी डीह में 3 दिवसीय द्वितीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि 100 से भी अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। विगत कुछ समय से आत्मरक्षा से संबंधित इस खेल का प्रचलन बच्चों में लगातार बढ़ रहा है। प्रतियोगिता के अंतिम दिवस में दुर्ग विधायक अरुण वोरा विशेष रूप से शामिल रहे एवं बच्चों को पुरस्कृत किया। विधायक अरुण वोरा एवं आयोजनकर्ताओं ने प्रतियोगिता के बारे में मीडिया को इस तरह से जानकारी दी। देखिए, ये बहुत अच्छा आयोजन है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आयोजक राजा कौशल को और अनुराधा सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सेकंड छत्तीसगढ़ कूडो प्रतियोगिता का आयोजन हमारे दुर्ग में रखा और लगभग 120 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सारे बच्चे होनहार हैं, क्योंकि बच्चों का जीवन बहुत नाजुक होता है। इस समय हम उन्हें जैसी शिक्षा, संस्कार और आदर्श देते हैं, उसके आधार पर ही अपने संपूर्ण जीवन की रूपरेखा को तय करते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है और बच्चे कितने प्रफुल्लित हैं और सब अपनी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दूर दूर से आए हैं, पूरे प्रदेश से यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा प्रशिक्षण, बहुत अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है। मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा रहा। मैं मनीष कुमार साहू, सेंटर रेफरी, और हमारे ज़िले से ही सारे रेफरी हैं और हमारे ज़िले से टोटल 8 रेफरी हैं। बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया है। यहाँ पे सारे 7 ज़िले से बच्चे आए हैं जिन्होंने सारे रूल्स फॉलो करते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं मनीष कुमार साहू, जनरल सेक्रेटरी कूडो एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का। दुर्ग जिला में कूडो सेकेंड स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 7 जिलों से 120 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए खूब सारा मेडल लेते हुए अपने अपने जिले का नाम रोशन कर प्रदेश का पूरा नाम रोशन किए हैं। क्या उत्साह देखने को मिला बच्चों? सबसे बड़ा तो अभी जो फ्लू चल रहा है, आई फ्लू इतना फैलने के बाद भी यहाँ आए हैं, सबसे बड़ा उनका एक प्रोत्साहन है। और दूसरा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रूल फॉलो करते हुए अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं अपने गेम का और बहुत सारे गोल्ड मेडल लेकर के अपना नाम आगे